हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैसे हम डिफरेंट टाइप्स के मोशंस को कैटेगराइज करते हैं, कितने टाइप के मोशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं उनमें। टाइम के लिए, मेजरमेंट के लिए हमने देखा था, अलग अलग टाइप के क्लॉक्स देखे थे। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सबसे पहले मेजरिंग स्पीड, यानी स्पीड को हम मेजर कैसे करें। ठीक है, तो आपने देखा कि टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं क्लॉक के मदद से, डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, उसी तरीके से हम स्पीड को भी मेजर करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट का क्या स्पीड है ये हम देखेंगे। तो आपको एक बॉल की स्पीड निकालनी है जो कि ग्राउंड पे मूव कर रहा है। ठीक है, आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है ग्राउंड पे चॉक पाउडर या लाइम से, और अपने किसी फ्रेंड को 1 से 2 मीटर दूर खड़े रहने को बोलना है। अब अपने फ्रेंड को बोलो कि जेंटली उस बॉल को रोल करे अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन। ठीक है, तो जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर आपको वो बॉल को मूव कराना है, और आपको टाइम नोट करना है कि ये जो बॉल है इसने कितने टाइम में इस लाइन को क्रॉस किया है और कितने टाइम में ये रेस्ट पे आती है। ठीक है, कितना टाइम लगता है बॉडी को रेस्ट पे आने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपने क्या नोटिस किया, क्या क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की। ठीक है, उसके बाद ये देखो, आप ये सनडायल बनाया हुआ है जंतर मंतर पे। जंतर मंतर कभी आप घूमने जाओगे तो वहां पे ऐसे पैटर्न्स बनाए हुए हैं जिससे आपको बिल्कुल ज्योमेट्रिकल शेप में ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाई गई है जिससे कि आपको टाइम का पता चले। पूरे दिन में जो भी टाइम वगैरह चल रहा है वो आपको इन ज्योमेट्रिकल शेप्स को देख करके पता चलेगा, क्योंकि ये शैडो के बेसिस पे काम करती हैं। ठीक है, ये आपका सैंड क्लॉक है जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ये सैंड क्लॉक है। ठीक है, और ये आपका वाटर क्लॉक है, इसमें पानी भरा हुआ होता है और इसके थ्रू आपको टाइम का पता चलता है। तो ये कुछ पुराने तरीके हैं जिससे हम टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है, तो वही बॉल वाली एग्जांपल की बात हम कर रहे थे। तो आपको जो है उस बॉल के डिस्टेंस को मेजर करना है कि बॉल ने उस लाइन को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया, और जब बॉल ने क्रॉस कर लिया तो वो कितने देर बाद रेस्ट पे आती है। ठीक है, तो आप इसके लिए स्केल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो मेजरिंग टेप आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अलग अलग ग्रुप्स को इस एक्टिविटी को रिपीट करने को बोलना होगा आपको। ठीक है, फिर आपको मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, हर केस में आपको बॉल की स्पीड को कैलकुलेट करना ज़रूरी होगा। ठीक है, और अगर आपको अपनी वॉकिंग या फिर साइकिलिंग की स्पीड जाननी है, ठीक है, तो आपको आपके घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है उसको पता करना होगा कि क्या डिस्टेंस है और कितना टाइम लेते हो आप उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो जो भी डिस्टेंस सपोज आप कवर करते हो, सपोज 5 किलोमीटर आप चलते हो प्रोबेबली 10 मिनट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया बट फिर भी ऐसे ही अज्यूम कर लो, आप 5 किलोमीटर चलते हो लगभग 10 मिनट में। ठीक है, तो ये आप इसको मीटर में चेंज कर लो। सपोज करो आप 500 मीटर्स चलते हो 10 मिनट में। ठीक है, तो मतलब कि 1 मिनट में आप कितना मीटर चल रहे हो, हर मिनट आप 50 मीटर चल रहे हो, तो आपका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, लगभग 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये आपका स्पीड होगा। आप इसको किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपको 1 घंटे का टाइम दिया हुआ है और आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलते हो, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलते हो, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आप किस स्पीड पे स्कूल जाते हो। ये आपका वही शीट है जिसमें आपको बॉल के मूव करने का टाइम लिखना होगा, कितना डिस्टेंस उसने मूव किया है, कितना टाइम लिया है, और स्पीड क्या होगी जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड को शो करना है। अब जो रॉकेट्स होती हैं जो कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करती हैं अर्थ के ऑर्बिट में,
अर्थ की ऑर्बिट मतलब कि ये सपोज अर्थ है और ये अर्थ की ऑर्बिट है, तो इसमें जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं रॉकेट्स की मदद से, ये लगभग स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर सेकंड को अटेन करती है। सोचो कि एक सेकंड में 8 किलोमीटर की स्पीड पे वो चलती हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देख लो कि ये कछुआ जो होता है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड चलता है, तो देख रहे हो आप डिस्टेंस कितना बदल जाता है, एक हाइयर स्पीड एक लोअर स्पीड, है ना। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर वो 1 सेकंड में चलता है, ठीक है। तो आपको आप कैलकुलेट कर सकते हो ना कि कितना फास्ट है एक रॉकेट एक टॉर्टोइस के कंपैरिजन में। उसी तरीके से आप स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको उसका डिस्टेंस पता है और उसका टाइम पता है कि कितने डिस्टेंस वो कितना टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। अगर आपको सपोज करो स्पीड दे रखा है, ठीक है, और आपको टाइम दे रखा है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। इधर देखो आपको पता है, एक सेकेंड, जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मान लो कि आपको स्पीड की वैल्यू दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस निकालना है। सपोज मेरा स्पीड है 50 किलोमीटर एन आवर, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, पर मुझे टाइम पता है कि मैंने लगभग 1 घंटे में इसको कवर किया है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा। डिस्टेंस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आएगा, 50, है ना। ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने लगभग 1 घंटे में कवर किया है, तब आपका स्पीड 50 किलोमीटर एन आवर था, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। अब आपने देखा होगा कि आपकी स्कूटर या आपके मोटरसाइकिल पे एक स्पीड मेजर करने के लिए एक मीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, या फिर कार्स वगैरह बसेस वगैरह में आपने देखा होगा कि इस तरीके का कुछ डिवाइस लगा हुआ होता है जो जिसका कांटा ऐसा होता है और वो हर स्पीड पे चेंज होता रहता है जैसे भी आप स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। तो ये जो मीटर है इस पे किलोमीटर पर आवर का यूनिट लिखा हुआ रहता है एक कॉर्नर पे, यहाँ पे सपोज करो किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है, ये आपको बताता है कि आप किस स्पीड पे गाड़ी चला रहे होते हो। इसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर, ये रिकॉर्ड करता है जिस भी स्पीड पे आप गाड़ी को चला रहे हो उस स्पीड को, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल लिखा हुआ है जहाँ पे आपको एनिमल्स की स्पीड पता करनी है, जैसे फाल्कन है, एक फाल्कन की जो स्पीड होती है वो लगभग 320 किलोमीटर पर आवर होता है, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 320 किलोमीटर है। आपको पता है 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, तो आपको 320 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो मीटर में आ जाएगा। और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, है ना, 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आपको 60 × 60 करना पड़ेगा तो आपको मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, आप यहाँ पे मेंशन कर देना। चीता की स्पीड देखो 112 है, तो अब आपको 112 को पहले तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि मीटर में हम चेंज कर रहे हैं, और उसके बाद 60 × 60 करोगे आप, ठीक है। उसके बाद इनको कट करना है आपको और वैल्यूज को लिखना है, ठीक है, वो आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको सारों का लिखना है, और अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है, आपने आप सबने न्यूज़पेपर्स देखे हैं, मैगजीन्स देखी हैं, ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है ग्राफ्स के फॉर्म में, अलग अलग ग्राफ होता है जिससे हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने एक छोड़ दिया है टॉपिक, यहाँ पे आप इसको देख लो, तो जो डायग्राम है ये आप पिक्चर देख सकते हो, ऐसी ऐसी चीज़ आपकी गाड़ी में भी लगी हुई होती है जिससे आप स्पीड वगैरह मेजर करते हो, ठीक है। वहाँ पे एक और मीटर होता है जो कि आपके डिस्टेंस को बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस मूव किया है, है ना। उस डिवाइस को हम ओडोमीटर कहते हैं, एक स्पीडोमीटर होता है एक ओडोमीटर होता है। यहाँ पे आप देखो ये जो है ये आपका स्पीड बताता है, और ये जो है ये आपका डिस्टेंस बताता है कि आपने कितने डिस्टेंस को कवर किया है। तो एक स्पीडोमीटर है और इसी के अंदर एक ओडोमीटर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बातें दी हुई है, बेसिक सी चीज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
तो हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ओडोमीटर की रीडिंग दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, सुबह 8 बजे का टाइम है और ओडोमीटर की रीडिंग जो है ये 36540 किलोमीटर है। मतलब 8 बजे सुबह सपोज करो आपने गाड़ी स्टार्ट की, और जब आपने गाड़ी स्टार्ट की तब ये डिस्टेंस ऑलरेडी उसमें मेंशन था, यानी अभी तक आपने गाड़ी चलाई नहीं है, ठीक है, तो अभी आपका 0 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट पे है। फिर 8:30 आधे घंटे बाद आपकी जो रीडिंग हो जाती है ये 40 से 60 चेंज हो जा रहा है, यानी कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लगभग 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया आधे घंटे में, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद यानी 9 बजे आप देखते हो कि ये 580 हो गया, यानी अगेन आपने 20 किलोमीटर को ट्रैवल किया, तो 20 और 20 कितने हो जाते हैं, 40 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है, 20 और 20 हो गया 40। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर आप देखते हो कि ये 600 किलोमीटर हो गया, यानी कि 20 किलोमीटर और ऐड हो गया आपके डिस्टेंस में, तो 40 ऑलरेडी था उसमें 20 आप और ऐड कर दो तो ये 60 हो गया, है ना। फिर आधे घंटे बाद यानी 10 बजे आप देखते हो कि ये 620 हो गया, अगेन 20 किलोमीटर बढ़ गया, तो 60 ऑलरेडी था, 20 आपने और ऐड कर दिया तो ये बन गया 80। तो ये कुछ रीडिंग है आपकी। अब इसको ग्राफ में अगर मान लो मुझे पुट करना हुआ तो मैं ग्राफ में इसको कैसे पुट करूंगी, ये मैंने इसको रन्स तो यहाँ पे मैं एक टाइम का स्लॉट बना दूंगी, यहाँ पे मैं डिस्टेंस का स्लॉट बना दूंगी, और उसके बाद फिर मैं अलग अलग वैल्यूज को ग्राफ के फॉर्म में शो कर दूंगी, ठीक है। ये जैसे कि एक ग्राफ है जिसमें आपको दिखा रहा है कि कितने रन्स, तो इसमें आपको पता लग रहा है कि जैसे ये एक बार ग्राफ है जिसमें आपको एक टीम के रन्स के बारे में पता लगेगा कि कितने रन्स एक टीम ने स्कोर किए हैं। तो ये सपोज रन्स वाला कॉलम है, 0 to 10 आपने इसको डिफाइन किया है, और यहाँ पे ओवर्स को आपने 6 तक सेग्रीगेट किया है, 1 to 6। तो सपोज करो एक ओवर में उसने 1 रन लिए तो आपने इसको ऐसे डिनोट कर दिया, दूसरे ओवर में इसने 5 रन्स लिए, तीसरे ओवर में इसने 3 रन लिए, चौथे ओवर में इसने 10 रन्स लिए, पांचवे ओवर में इसने 2 रन लिए, और छठे ओवर में इसने लगभग 6 रन लिए। तो आपने इसको ग्राफ के फॉर्म में डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम ग्राफ के फॉर्म में इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये देखो, अब पाई चार्ट के फॉर्म में भी आपने बचपन में देखा होगा कि हम एक सर्कल बनाते हैं जिसमें कि ये जो मैक्सिमम पोर्शन होता है ये नाइट्रोजन वाला, 21% जो है ये ऑक्सीजन वाला, और ये जो छोटा सा कॉलम होता है 1% का ये अदर गैसेस का कॉलम होता है। तो इसमें हमने ये पाई चार्ट होता है जब हम ऐसे सर्कुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम लाइन ग्राफ के फॉर्म में, लाइन ग्राफ के फॉर्म में भी आप कोई भी चीज़ दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो एक इंसान, एक मैन है, उसके एज के हिसाब से उसका वेट कितना है, तो सपोज करो कि ये जो है ये एज है और ये वेट है, तो 2 साल का वो मैन है और उसका 10 kg है, ठीक है। 0 ईयर्स का जब है तो कोई मतलब आप मान के चलो कुछ भी नहीं है, ठीक है, वेट। 4 साल का जब वो हुआ तो थोड़ा सा 10 के ही ऊपर है, 11 पे आप मान लो। 6 साल का हुआ तो लगभग वो 18-19 kg का है, 8 साल का हुआ तो वो लगभग 20 kg का है। ऐसे करके आपने पॉइंट्स में इसको डिनोट कर दिया और एक फिर लाइन के थ्रू आपने इसको ज्वाइन कर दिया सारे डॉट्स को, तो ये लाइन ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने वाली बात नहीं है, ये सब आपको पता होगा मेरे हिसाब से। ये एक्स और वाई एक्सिस आपने ग्राफ पेपर पे देखा होगा, ये वाला जो लाइन होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये जो लाइन होता है ये वाई एक्सिस होता है, है ना। और इसी में अगर आपको जेड एक्सिस दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो जेड एक्सिस, ठीक है। तो फिलहाल तो आप एक्स और वाई पे ही रहो, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे एक कार का मोशन दिया हुआ है जिसमें टाइम मेंशन्ड है और डिस्टेंस मेंशन्ड है। तो 0 टाइम पे 0 डिस्टेंस है, 1 मिनट के बाद वो 1 किलोमीटर चलता है, 2 मिनट के बाद वो 2 किलोमीटर चलता है, ऐसे करके इसका मोशन है। अब आपको ग्राफ के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो आप अपने अपने नोटबुक्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसा मैंने आपको ग्राफ के फॉर्म में बताया। तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा बाद में, है ना, 1 मिनट पे 1 किलोमीटर, 2 मिनट पे 2 किलोमीटर, 3 मिनट पे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा फिर बाद में, है ना, ऐसा ग्राफ बन जाएगा ये। तो ये आपको ध्यान में रखनी है।
बात, ठीक है। यही सारा एक्सप्लेनेशन इस पेज में दिया हुआ है ग्राफ बनाने के लिए। तो ग्राफ बनाना तो आपने पहले भी क्लासेस में सीखा होगा, ये बस उसी तरीके का है। कुछ बस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये बस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपने आज तक किया है। और एक बार आप फटाफट इसको रीड कर लेना तो आपको और आसान हो जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है, पर्टिकुलरली ग्राफ रिलेटेड डाउट है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। मैं एक अलग से ग्राफ के लिए वीडियो ही बना दूंगी, ताकि आपको ग्राफ को प्लॉट कैसे करें वो सारी चीज़ें अच्छे से। अभी मैं फिलहाल चैप्टर में ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको क्लियर है कि ग्राफ वगैरह कैसे प्लॉट करते हैं। अगर आप लोगों को डाउट है तो मैं ग्राफ पे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको अलग अलग टाइप के ग्राफ्स का पता लग जाएगा और हम कैसे सारी चीज़ों को प्लॉट करें वो भी पता लग जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।